Hello students, this is Neeraj Gupta. In the last video, we have covered your 37 entries up to entry number 37. Now I'm starting with 38. The entry says purchase 2000 kg polymer at the rate of 102 per kg from some Mr. Radhe Shyam and paid him by check. Technically, iske andar jo लॉजिक है उसके हिसाब से आपको पार्टी का नाम नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेजर सप्लायर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, दोनों का ही हम लेजर बना के रखते हैं रिकॉर्ड के लिए. तो हिसाब से अब मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ, तो उसके अंदर हम डबल एंट्री करेंगे. तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि हमने राधे श्याम से क्रेडिट में माल खरीदा है, तो दैट वे हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट. 2000 को 102 से आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल फाइंड 204,000 एंड टू राधे श्याम. राधे श्याम ये पार्टी है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया विथ 204,000. बट जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट मोमेंट ही हम ये मान के चलेंगे कि हमने राधे श्याम को पे कर दिया, तो उसको हम वापस डेबिट करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर देंगे. और जहाँ से हमने पे किया उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो हमने ICICI बैंक से पे किया है, तो वो बैंक मेरा रिड्यूस हुआ, एसेट रिड्यूस होने से मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ. ICICI बैंक अकाउंट, इसको मैंने क्रेडिट किया विद 204,000. मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया होगा, जो क्रेडिट की फिगर लिखने का तरीका होता है वो टेक्निकली अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं तो ये थोड़ा आगे जाके ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन वो फिर वो लैपटॉप के बटन्स बार बार दबाने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है आप इतना तो समझ ही चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं किया है. चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं. एंट्री नंबर 39, ये कहता है 2450 का बिल आया है गीतांजलि प्रिंटर से और हमने उससे स्टेशनरी खरीदी है. सिर्फ बिल की बात की है, पेमेंट की कोई बात नहीं की है. तो हम इसको ले लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 2450 टू, जिसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी हो उसको क्रेडिट करते हैं, गीतांजलि प्रिंटर्स. राइट, चलिए इसमें इतना ही है, ज़्यादा कोई टेक्निकल एंट्री नहीं है. लेट्स मूव टू एंट्री नंबर 40. 50,000 रुपये दिए हमने अक्षिता बुटीक को और एक कैश डिस्काउंट भी हमने अवेल किया है 6,000. यानी अगर अक्षिता बुटीक से हमारा हिसाब किताब चल रहा है तो टोटल 56,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है. तो जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं. राइट, तो अक्षिता बुटीक को मैं डेबिट करूँगा. लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करते हैं 56,000 से. राइट, पैसे मैंने PNB से दिए हैं तो नेचुरली मेरा बैंक अकाउंट रिड्यूस हुआ है, तो टू PNB अकाउंट. और मैंने एक्चुअली में जो पेमेंट की है वो की है 50,000. इसके अलावा मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, इनकम है, खर्चे डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इसको मैं क्रेडिट करूँगा डिस्काउंट रिसीव्ड करके. डिस्काउंट रिसीव्ड इज 6,000. राइट, ये इसकी तीन एंट्रीज अलग अलग आ गई. इसको कंपाउंड जनरल एंट्री भी बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं, जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स डेबिटेड या क्रेडिटेड हों. तो अक्षिता बुटीक को मैंने 56 से क्यों किया, क्योंकि 50 तो मैंने दिया और 6,000 का उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो यानी उनका बिल जो मुझे पे करना था या जो अमाउंट मुझे पे करना था वो अब 56,000 तक पेड अप हो गया है. दैट्स वाई मैंने अक्षिता बुटीक को 56,000 से डेबिट किया है. 50,000 मेरी एक्चुअल बैंक से पेमेंट है और 6,000 की मेरी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड. इट्स लाइक एन इनकम. राइट, चलिए जी, अब मैं चल रहा हूँ मेरी एंट्री नंबर 41 पर. एंट्री नंबर 41 सेज मैंने इंटरेस्ट जो है वो पे किया है ICICI करंट अकाउंट को टू मिसेस, द्वारा पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑफ 1,41,000 इज पेड फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट थ्रू ICICI करंट अकाउंट. ओके, आई एम सॉरी, मैंने ICICI को नहीं दिया है, मैंने ICICI के थ्रू दिया है. किसको दिया है? टू सम मिसेस अनीता फॉर द लोन टेकन.
तो दिस इज डेफिनेटली माई एक्सपेंडिचर, दिस इज माई एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो बेटर रहेगा कि मैं जो है इसको इंडिकेट भी कर दूं अनीताज लोन, ताकि कोई कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में ना रहे कि मैंने कौन सा इंटरेस्ट पे किया है। तो ये 141,000 से मैंने डेबिट किया, और क्रेडिट तो सिंपल है कि जो मैंने आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट से मैंने पैसा दिया वो मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये मेरा बैंक अकाउंट इतने अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है, राइट। चलिए, अब मैंने एक एसी खरीदा है 71,000 का सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, और 10,000 रुपये उसको दिए भी हैं, यानी बाकी 61,000 की तो लायबिलिटी खड़ी ही हो गई, ठीक है। तो एयर कंडीशनर मेरी एसेट है, एसेट में डेबिट करूंगा एयर कंडीशनर अकाउंट। एसेट को मैंने डेबिट किया जितने का अमाउंट है 71,000। क्रेडिट का जहाँ तक सवाल, एक तो मैंने पे किया कैश, तो मेरा कैश अकाउंट मैंने पे किया 10,000 रुपीज़। और इसके अलावा जो लायबिलिटी मेरी क्रिएट हुई सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हुई है 61,000 रुपीज़ की, तो वो एंट्री मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दी। ईजी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, डीजल खरीदा। एक बार मैंने याद है पहले भी कहा था पेट्रोल एंड डीजल का हम इसमें अलग अकाउंट बना लेते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल इस तरह की खर्चेबाजी हो रही हो। तो 3,000 रुपये अमरनाथ को दिए, डीजल खरीदा है जनरेटर के लिए, तो हम इसको ले लेंगे पेट्रोल एंड डीजल अकाउंट, दैट्स 3,000 डेबिट हुआ है। जो मेरा खर्चा है, खर्चा हम हमेशा डेबिट ही करते हैं, और पेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कैश ही मानेंगे, टू कैश अकाउंट 3,000 रुपया। नेक्स्ट, एडवांस सैलरी दी है किसी को 10,000 रुपीस अनिल कुमार फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फादर। खैर वो एडवांस सैलरी तो एडवांस सैलरी ही है। नाउ एडवांस सैलरी हमारी या कोई भी प्री पेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है, याद रखिएगा प्री पेड एक्सपेंडिचर इज आर एसेट, राइट। तो एडवांस सैलरी पे किया, इट्स लाइक एन एसेट, तो इसको हम डेबिट करेंगे एसेट सैलरी एडवांस। इसमें हम नाम भी लिख सकते हैं कि किसको दिया, ब्रैकेट में अनिल कुमार। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जो नाम है लेजर का या अकाउंट का, वट एवर यू से, वो कंपनी की पास प्रैक्टिस या आपके सीनियर्स के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग इसमें माइनर रिलैक्सेशन जो है वो एक तरह से अलाउ कर रही है। तो 10,000 रुपये दिया है तो वो तो क्रेडिट हो गई होगा कैश। एसेट हमने क्रिएट किए सैलरी एडवांस अनिल कुमार को दे के, उसको मैंने डेबिट कर दिया। एंट्री नंबर 45, पेड 27062 फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एज कार इंश्योरेंस प्रीमियम। आई थिंक इसमें कोई भी मुश्किल है ही नहीं, खर्चा है डेबिट करो, कार इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 27062, और ये गया पैसा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। सो देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। अब मैंने जनरेटर की रिपेयर के लिए 15,000 रुपये कैश पे किया है किसी ब्रिजपाल को। तो दिस इज माय रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट, सो इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अलग अलग हो सकती हैं किसी बड़ी फर्म में, नहीं तो एक भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग हो सकता है, बिल्डिंग का अलग, फर्नीचर का अलग, मशीनरी का अलग, है ना। तो इट्स लाइक दिस, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। आप जितना क्लासिफाइड करना चाहें कर सकते हैं, टेली भी आपको ये अलाउ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश आपने पे किया है तो कैश अकाउंट आपका 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। गाजियाबाद टायर हाउस से 9,000 का बिल मिला है, और आपने नए टायर लिए कार के लिए, ये वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल हो गया। आप
इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक बहुत बड़ा हेड होता है किसी भी ऑफिस में, क्योंकि जो भी एसेट्स हैं कंपनी की उनमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर छोटी कंपनी है, छोटे खर्चे हैं, तो एक ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट किया जा सकता है, नहीं तो अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें करके आपको बता रहा हूँ। टू, अच्छा अभी बिल आया है तो कैश या बैंक का नाम नहीं आएगा, इस बार पार्टी का नाम खड़ा करेंगे, गाजियाबाद टायर हाउस। राइट, दिस इज माई एंट्री नंबर 47। नाउ आई विल टेक अप एंट्री नंबर 48। एक्सपेंसिज ऑफ 19957 बुक्ड अगेंस्ट द बिल फॉर द सर्विस ऑफ द ऑफिस कार। तो वही हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, सेम सेम एब्सोल्युटली सेम। ऑफिस में बहुत सारी गाड़ियां हैं सपोज, उनका रिपेयर का बिल, उनका मेंटेनेंस का बिल, सर्विस का बिल छोटा मोटा चलता ही रहता है, तो वो हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम डेबिट कर रहे हैं विद द अमाउंट 19957 2। ये आया है फास्ट ट्रैक सर्विस से, तो इसको हम क्रिएट करेंगे फास्ट ट्रैक सर्विस। इसको क्रेडिट किया हमने, जो भी लायबिलिटी क्रिएट होती है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, नथिंग न्यू नथिंग टेक्निकल। नाउ एंट्री नंबर 49, एक्सपेंसेस ऑफ 37,800 बुक्स अगेंस्ट ए बिल ऑफ मिस्त्री एंड लेबर। मिस्त्री आप समझते हैं, वो जो जब कोई काम होता है घर के अंदर बिल्डिंग से रिलेटेड, तो आमतौर पर ये पेयर में आते हैं दो लोग, तो एक तो होता है जो सामान बनाता है, नहीं घोलता है सीमेंट वगैरह अपने सर पे तसला रख के देता है, और एक जो उस पर एक्चुअली वर्क करता है, वो सीनियर होता है एक तरह से, जैसे डॉक्टर कंपाउंडर की जोड़ी होती है, ऐसे एक मिस्त्री होता है और एक उसके साथ लेबर होता है। तो 37,800 का बिल आया मिस्त्री लेबर का, और इसको दिया है राधे श्याम कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। ये वही हो गया फिर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दिस टाइम इट इज फॉर बिल्डिंग, डेबिट 37,800, क्योंकि पैसा दिया नहीं है इसलिए इसको हम अभी लायबिलिटी बना के खड़ा करेंगे। ये हैं सब मिस्टर राधेश्याम कॉन्ट्रैक्टर, राइट, इनकी लायबिलिटी हमने क्रिएट कर ली 37,800 से। एंट्री नंबर 50 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको समझिएगा। अब अभी तक जितनी भी कैश पेमेंट्स हुई हैं, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, उसमें मैंने जब भी कैश पेमेंट थी तो सीधा कैश अकाउंट लिख दिया। जैसे ये एंट्री 46 है, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कैश पे किया था तो मैंने कैश अकाउंट लिख दिया। ऐसे और भी अगर आप पिछली एंट्रीज देखेंगे, लेंथी क्वेश्चन है, 50वीं एंट्रीज पर हम पहुँच चुके हैं, तो जब भी कैश की पेमेंट हुई है मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। अब हमने क्या किया, एक तरह से ये प्रिज्यूम कीजिएगा कि सब मिस्टर राकेश गुप्ता को ऑफिस में अपॉइंट करके 5 लाख रुपये उनके पास रखवा दिए कि भाई रोज होता रहता है, तो हम आपको 5 लाख रुपए एक बार में देकर, है ना, एक तरह से आपको डेबिट कर देते हैं और हमारा 5 लाख एक बार में घट जाएगा, फिर आगे से अब जो भी आप पेमेंट होगी आप करते रहना। ये वैसा हो गया जैसे टूर पर जा रहे हैं और एक व्यक्ति को पैसे रखवा दिए, अब जो भी खर्चा कर रहा है वही कर रहा, हम नहीं कर रहे, हमने एक ही बार कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो 5 लाख रुपये कैश पेड टू राकेश गुप्ता है फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस, है ना, तो खर्चों के लिए हमने 5 लाख रुपए राकेश गुप्ता को दे दिए। तो एक तरह से ये हमारा एक ही बार में हमने इसको बुक कर लिया, और इसको बुक करने का तरीका यही है कि हम इसमें एक इम्प्रेस्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे, यही इसकी एंट्री करने का तरीका है, इम्प्रेस्ड अकाउंट राकेश गुप्ता, ठीक है, इसको हमने डेबिट किया 5 लाख रुपये से, और टू कैश अकाउंट, हमारा कैश तो गया ही है ना एक तरह से, हमने वो राकेश गुप्ता को दिया है, हमारे लिए ही दिया है, लेकिन फिलहाल वो हमारा कैश चला गया, तो ये इम्प्रेस्ड अकाउंट राकेश गुप्ता को मैंने डेबिट कर दिया 5 लाख से। अब इंटरेस्टिंगली जब भी ये जैसे होता है ना, जैसे एक बैंक में डाल देना, ये भी एक एसेट की तरह से क्रिएट हो गया, जैसे अगर हम पैसा बैंक में डाल देते तो क्या होता,
सपोज राकेश गुप्ता नाम का एक बैंक होता और मैंने 5 लाख रुपए राकेश गुप्ता बैंक में डाल दिए होते और आगे से जो भी पेमेंट होती वो राकेश गुप्ता बैंक से कर रहा होता, तो आप क्या करते? एक बार राकेश गुप्ता बैंक को डेबिट करते, बैंक अकाउंट को तो डेबिट ही करते ना, और कैश तो जा रहा है वो क्रेडिट ही होता। और हर बार राकेश गुप्ता बैंक की चेकबुक से अगर पेमेंट करते तो उसको क्रेडिट करते, सेम है, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो इम्प्रेस्ड का कल्चर है वो क्या है कि भी जैसे ये 5 लाख रुपए सुन के थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों में 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं होती। वहाँ मान लेते हैं, अब जैसे अभी ऊपर हमने देखा कहीं मिस्त्री का बिल आ रहा है, कहीं कार का बिल आ रहा है, रोज़ के 10-20-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो 5 लाख रुपये कोई बड़ी फिगर नहीं है, है ना? तो सिस्टम यही है कि राकेश गुप्ता को एक बार पैसे दे के रख दिए, उसकी एक तरह से जैसे बैंक में जमा कराते हैं उसी तरह से ये एसेट टाइप क्रिएट कर दिया, और अब जो भी पेमेंट करनी है उसके लिए हम राकेश गुप्ता को क्रेडिट करते जाएंगे, है ना? जैसे मान लेते हैं उसने कोई पानी का बिल दिया 200 रुपये का, तो वाटर एक्सपेंस तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट में कैश नहीं होगा, क्योंकि कैश तो एक बार में ही दे दिया इस बार हमने अब राकेश गुप्ता को, तो आगे से अब जब भी क्रेडिट करने की बात आएगी कैश में, अगर बैंक से देंगे तो बैंक को ही क्रेडिट करेंगे। अब राकेश गुप्ता भी एक तरह से हमारा बैंक जैसा हो जाएगा, अगर हमने 200 रुपये राकेश गुप्ता से कैश दिलवाया है तो क्रेडिट में हम इम्प्रेस्ड अकाउंट राकेश गुप्ता करेंगे, ताकि हम बैलेंस देख पाएं कि भाई 5 लाख से आपको डेबिट किया था, टोटल कितना क्रेडिट है, तो जितना बचा होगा बैलेंस दैट मच उसके पास कैश अवेलेबल है मिस्टर राकेश गुप्ता के पास, ही मस्ट बी आर सीनियर एम्प्लॉय और समथिंग, राइट? सो दिस इज माई एंट्री नंबर 50 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो अहेड। अब यहीं से शुरू हो गया काम। अभी कैश 2000 रुपये पे किए राकेश चतुर्वेदी को फॉर कंसल्टेंसी चार्जेस। अब इसके लिए हम कंसल्टेंसी चार्जेस हमारा खर्चा है, तो डेफिनेटली हम कंसल्टेंसी चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से, और क्रेडिट में इस बार हम इंप्रेस्ड अकाउंट को करेंगे। यानी कि एक तरह से जैसे मैंने कहा था ना, राकेश गुप्ता बैंक को सपोज मान के चलो पैसे आपने दे दिए, तो ये उस टाइप की एंट्री है कि इस बार हमने इसको कैश नहीं दिया, वो राकेश गुप्ता पे कर रहा है, तो वो वाली एसेट अल्टीमेटली हमारी डाउन हो रही है जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं, राइट? चलिए एंट्री नंबर 52। हमने 1000 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 रुपये में खरीदे, यानी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, और हमने इसको ICICI बैंक से पे किया, तो डेफिनेटली ये मेरी एसेट है। व्हाट इज माय एसेट? इट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसको भी मैं एक अकाउंट मान लेता हूँ, डेबिट कर रहा हूँ 50,000, और पैसा मेरा गया है ICICI बैंक अकाउंट से। इज इट राइट? एंड इट इज ईजी। चलिए अब एंट्री नंबर 53 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वैट का कंसेप्ट है। देखिए अब तो वैसे GST आ चुका है, ऑलमोस्ट आ गया है, हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ गया, तो वैट और GST में एज सच कोई बहुत बड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये एंट्री मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। कल को वैट वैल्यू एडिशन टैक्स था, पहले सेल्स टैक्स, अब उसका नाम GST कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो एज सच अकाउंटिंग में इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, राइट? बाकी मैं जब आपको टैली में GST के हिसाब से टैली करवाऊंगा, तब आपको मैं ये सारी जनरल एंट्रीज जहाँ पर GST इन्वॉल्व होगा दोबारा से करवा ही रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड, इसको आप पॉजिटिवली बात को समझ के कर लीजिए, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। तो अभी 400 किलोग्राम हमने सामान बेचा 143 पर KG टू RMBN कंपनी, और उससे हमने वैट चार्ज किया है ना? तो वैट भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने कलेक्ट तो किया लेकिन ये हमने देना है गवर्नमेंट को, करेक्ट? तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमने जो पार्टी को 400 किलो सामान बेचा वो बेचा 143 के रेट पर, तो इट इज़ 400 × 143, इट इज़ कमिंग टू 57,200। ये मैं अभी रफ वर्क कर रहा हूँ। और जहाँ तक वैट का सवाल है, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 5.25% ऑन 57,200, तो इसके ऊपर हमने वैट लगा दिया। तो ये आ रहा है 3,003, यानी कि हमने इतना सेल्स टैक्स उसे चार्ज किया जो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट को देना है। खैर, जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ पार्टी से, नेचुरली जब हमने वैट पे माल लगा के बेचा है तो हमने जो सामान हमारा पैसा था
वो भी लिया और जो टैक्स था वो भी लिया। तो टोटल जो अमाउंट हमारे को रिसीव हुआ वो हो गया 60,203। पेमेंट रिसीव की कोई बात अभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट पे माल बेचा है। तो फिलहाल हम अपनी एसेट क्रिएट करेंगे, एक डेटर क्रिएट कर देंगे एक तरह से हम आरएमबी एंड कंपनी को। ये हमने डेबिट किया इसको कितने से, 60,000। पूरे पैसे लेंगे ना हम तो उससे 2,203। अब सेल्स हुई है हमारी कुछ, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स कितनी है हमारी 57,200, ऊपर मैंने आपको बताया। और टू वैट एट द रेट 5.25%, इतना हमारा वैट आया है, दैट इज 3,003। ठीक है ना। तो आरएमबीएन कंपनी से टोटल अमाउंट ड्यू हो गया, रिकवरेबल हो गया, वो हमारे डेटर्स बन गए 60,203 तक। और इधर हमने ये सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लिया आपका 57,200 जितने का माल बेचा, और उसके ऊपर जो वैट की रिकवरी है वो हमने अलग से ले ली। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं।